अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबका स्वागत है रुबीना के न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ चिकन अंडा रोल। ये देखो, ये मैंने 1/2 किलो चिकन ले ली हूँ, इसको ऐसा छोटा छोटा काटती हूँ। बनाने वाली हूँ बैंगन आलू की भाजी, और ये मसाला, और ये प्याज ऐसी बारीक बारीक, 3 प्याज ली हूँ, 4 हरी मिर्ची ली हूँ, और ये है 1/2 किलो मैदा और 1 कटोरी आटा। ये सब मैं बनाने वाली हूँ। देखो, मैंने टोप रख दी, मेरा टोप गरम हो गया। अब उसमें डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच और 2 चम्मच, ये 2 चम्मच तेल डालूंगी। जैसे मेरा तेल गरम हो जाएगा उसमें मैं डालूंगी ये प्याज। मेरा तेल गरम हो गया, इसमें मैं डालूंगी इसमें प्याज। जब प्याज हल्की हल्की लाल हो जाएगी, हल्की हल्की लाल हो जाएगी, उसमें टमाटर जैसे अपनी भुर्जी के लिए काटते वैसा डालूंगी। मेरा टमाटर हो गया, टमाटर डाल रही हूँ, अदरक लहसुन भून के हो गया, ये मैंने 2 टमाटर डाले। जब टमाटर नरम होएगा तब इसके ऊपर मैं डालूंगी मसाला। टमाटर अच्छे से नरम हो गया, अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। इसको डाल के जोर से तो आवाज़ नहीं निकलती है। अब इसको 1 मिनट तक ऐसे भूनती हूँ, उसके बाद में डालूँगी चिकन। देखिए, मेरा मसाला भी भून गया, टमाटर भी हो गया। अब इसके बाद में डालूँगी चिकन, अच्छे से धो ली, उसका पानी निकाल दी। अब डालूँगी मैं इसमें डाल के इसको अच्छा चला के भून के ते पानी में पका लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर लग रहा है। अब इसके ते पानी में इसको अच्छे से भून भी लूँगी, गल भी जाएगा मेरा चिकन। उसके बाद में मैं डालूँगी 1 चम्मच चिकन मसाला और डालूँगी कस्तूरी मेथी। मैंने डाल दी हूँ कस्तूरी मेथी। अब इसको 1 मिनट ऐसे चला के कर दूँगी मैं गैस बंद। गैस बंद कर दी। देखो, मैं मैदा आटा गूंदने जा रही हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक, इसमें डालूंगी मैं 2 से 3 चम्मच तेल, मेरा आटा हो गया। अब इसमें तेल लगा के एक मुट्ठी मार के अच्छे से मिला के फिर लगाऊंगी मैं, कपड़ा लगा के इसको ढक के थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद में बनाऊंगी। देखिए गाइस, मेरा बनाने का चालू हो गया। ये मैंने अंडा ऐसा तल ली हूँ, ये ऐसा एक एक अंडा तल ली हूँ। तल के अभी मैं बेल के आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ऐसा बेलते रहने का इसको। देखिए गाइस, ये ऐसा बेलने का, अभी आपके ऊपर है आपको कितना रखने का इसके अंदर चिकन। मैं तो कम कम ही रखूंगी क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाएगा ना। अरे, मेरे पास इतनी चीज़ है, इसके लिए मैं चीज़ भी डाल रही हूँ। टूट गई चीज़ भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा ये किनारी को
ऐसा, फिर ये किनारी को ऐसा, फिर इसको ऐसा हाथ करके ऐसा करने। यहाँ पे मैंने मैदे का घोल बना के रखी हूँ, यह मैदे का घोल बना के रखी, इसको ऐसा ऐसा सब साइड में लगाने का, ये खुले नहीं, अरे डीप फ्राई होएगा, सेलो फ्राई नहीं होएगा। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे आप, देखिए गाइस मैं डाल रही हूँ इसमें, बस इसको ऐसे ही तलते रहने का, सिलो आज पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा सिलो आज पे, इसको ऐसा ऐसा थोड़ा फ्राई करते रहो, मस्त करारेदार पटाखेदार चटाकेदार सब बनेगा। माशाल्लाह देखो मेरा अंडा है, देखो चीज, देखो चीज, देखो हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बन गाइस देखो मेरा ये बन गया चिकन अंडा रोल, और ये मैंने बनाई तहरी, ये मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो रहा था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट में पूछो, मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ गाइस आप लोग भी आओ खाना खाने, हम लोग जा रहे खाना खाने के लिए, आप लोग भी आओ खाना खाने। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी वापिस एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, मेरे हमारे लिए पूरी अवाम के लिए दुआ करूँगी।